नाम है कठोर, लेकिन म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक पोर्शन उतने ही एकदम हार्ट टचिंग है, जिसमें कि मैंने एक लोरी गाई है जो आई थिंक सबको पसंद आएगा, और प्रमोद जिसने गाया सुना आंगन, तो प्रमोद ने गाया, मतलब म्यूज़िक इज़ मतलब हार्ट टचिंग और वेरी सॉफ्ट और बहुत मीनिंगफुल म्यूज़िक। और विष्णु जी आगे आपको बताएंगे, विष्णु जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया। और चार गाने हैं टोटल इस फिल्म के अंदर, एक गाना मनोज भाई ने गाया जो अभी उन्होंने बताया लोरी, बाप बेटी के रिलेशन पर है, और एक गाना मेरे प्रमोद भाई ने गाया है, उनका पहला गाना है, इससे पहले सारेगा मा वगैरह में भी सब रह चुके हैं, फिल्म पहली बार कर रहे हैं, इन्होंने गाया सुना सुना जी जी। और एक जो टाइटल है कठोर, वो गाया राजा सर, और एक गाना गाया रेखा राव ने जो आइटम नंबर, तो ये चार गाने हैं। तो क्या ब्रीफ दिया गया था डायरेक्टर साहब की तरफ से? डायरेक्टर साहब करण जी के लिए मैं ये कहूँगा कि करण जी एक ऐसे डायरेक्टर है जो उनको जो चाहिए वो जब तक उनको नहीं मिलेगा वो मानेंगे नहीं, और वो वही हुआ, उनको जो चाहिए था जैसी सिचुएशन उन्होंने बताई थी बाप बेटी के ऊपर, वो गाना सुन के मनोज भाई ने भी यही बोला था कि यार मेरे को लग रहा है स्क्रिप्ट ऐसी होगी, तो इसने गाया था इसने भी सुन के यही बोला कि स्क्रिप्ट ऐसी होगी, मतलब स्क्रिप्ट से बिल्कुल चिपके हुए हैं गाने, जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। सुना सुना घर का आंगन, सुना मन का कोना, स्याह रात के सन्नाटे में चुपके चुपके रोना, चुपके चुपके रोना। संगीत की कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती है, बस संगीत कैसा भी हो एक फीलिंग्स होती है, एहसास होता है, और सब एहसास कर सकते हैं, और बहुत अच्छा काम किया है विष्णु भैया ने, और मैंने अच्छा गाने की कोशिश की है, बाकी सब आप सबके ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बारे में बताना, हाँ, फिल्म कठोर एक ऐसे फादर डॉटर के रिलेशनशिप की कहानी है जो किसी एक हादसे के शिकार की वजह से एक परिवार में एक ट्रेजेडी हो जाती है, और फिर उस ट्रेजेडी को फादर किस तरह से लेता है और कैसे अपने मन को कठोर करके एक रिवेंज का काम पूरा कर लेता है। चार लाइन की ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसे लिखा बहुत अच्छा है राइटर डायरेक्टर करण कश्यप ने, और सबसे बड़ी बात इसमें जो किरदार मैंने प्ले किया है फादर का, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ईमानदारी से जेल कर्मी है, एक कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, और उसे अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहा है, बच्चे पाल रहा है, घर चला रहा है, बेटी की शादी करने जा रहा है। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि फादर अपने बेटी की शादी की तैयारी में बहुत कुछ कर रहा है और परिवार में खुशियां हैं, लेकिन एक हादसा होता है जिसमें मेले में क्या कहना है, नक्सली अटैक होता है और बच्ची उसमें मारी जाती है, बच्ची को किसी कारणवश गोली लगती है और वो मर जाती है। अब घर में मातम छा गया, घर में हादसा हो गया, और जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी वहाँ पे अब आंसू निकल रहे हैं, पिता भी बेमन से ज़िंदगी जी रहा है। कहानी आगे बढ़ती है, और ये जो जेल का अर्दल जेल का कांस्टेबल है, इसे उसी किलर को खाना खिलाना पड़ता है। ज़िंदगी की ट्रेजेडी देखिए, उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था जब उसने गोली चलाई थी, अब उसको अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसी किलर को उस जेल में जो एडमिट हुआ है उसे अपने हाथों से भोजन देना पड़ता है, ये बर्दाश्त बाहर की चीज़ हो जाती है, और यहाँ से वो व्यक्ति, वो जेल का कांस्टेबल अब इस मंथन से गुजरता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कानून उसकी मदद नहीं कर सकता और वो अपनी मदद खुद करता है, अपने आप को कठोर बनाता है, अपने मन को कठोर बनाता है और अपनी बेटी की मौत का बदला लेता है। एक आम आदमी के बदले की कहानी है ये, और वो कैसे बदला लेता है यही इस फिल्म की फिल्म का सेकंड हाफ है। लेकिन ललित जी, तुमने कि जितनी भी आपकी फिल्में देखी भी एक्टिंग ना कमरे लिए डिफरेंट लगी, कुछ एकदम अलग अंदाज में होता है, कुछ एक इसमें भी एक थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि इस तरह की फिल्म बनती है तो बहुत दिक्कतें आती है, किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से सामने आती है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट एज एन एक्टर?
हाँ देखिए, फिल्म्स जो हैं, फिल्म इज़ एन आर्ट बट एट द सेम टाइम फिल्म इज़ अ बिजनेस. ऑल फिल्म्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय मनी. सो इफ़ यू डू नॉट हैव गुड मनी टू सपोर्ट अ फिल्म देन चांसेस आर वेरी लेस दैट फिल्म रीच द पब्लिक. यस इट इज़ अ वेरी स्मॉल बजट मूवी बट बिकॉज इट इज़ एन ऑनेस्ट फिल्म, इट्स रिटन ऑनेस्टली, इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑनेस्टली. All artists have done their work very sincerely, and what we need is support of the public relation department and the distributors, that they take this film on its merit and create an opportunity that the whole nation sees it. If more and more people watch it, I'm sure they are going to like it. See, as you also have said it, it's very difficult for such films to reach the whole masses. But let's hope for the best. Let's pray that something good happens. And by initial buzz, by initial, we are getting films, like we are getting shows from PVR, and there are very few shows initially. Let's hope that those few shows create an awareness that more and more people watch it. का सपोर्ट रहा, सबसे बात तो रवि जी ने कहीं रोका नहीं, कहीं किसी चीज में टोका नहीं, जहां जो लगना था वो तो लगा है. फिल्म में कहीं रिसोर्सेज की ऐसी कमी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत जरूर कठिनाइयाँ हुई हैं चीज़ों को लेकर, शेड्यूल, वर्किंग आवर्स, बाकी टीम बहुत अच्छी थी, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे, सभी ने सपोर्ट किया और एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी कहानी लेकर हम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी और इस तरह की फिल्म. सर, इस टॉपिक के ऊपर पहले एक श्रीदेवी की फिल्म आई थी मॉम और संजय दत्त की फिल्म आई थी बूमिंग, जी इस टॉपिक पे बन चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे कंपैरिजन के लिए, कितने रेडी हैं? बहुत अलग फिल्म है ये, कहीं थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं कि मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली बाप बेटी का रिलेशन तो है, लेकिन ये कहानी है वो उस बंदे की जिसको अपने ही बेटी के जो कातिल है उसको खाना खिलाना है, डेली खाना खिलाना है, इसको बहुत मुश्किल है किसी के लिए अपने बेटी के कातिल को खिलाना, तो वो एक जो अंदर की व्यथा है वो कहानी है, तो कहीं ना कहीं बहुत अलग है उस चीज़ से. तो हमारा कोई और डेफिनेटली वो लोग बड़ी बड़ी फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट थी, वो उतना मुकाबला तो नहीं है, लेकिन हमारी कहानी और कंटेंट उससे काफ़ी अलग है. ऐसी कोई चैलेंजिंग वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं भी मीडिया से ही जुड़ा हूँ, आज इस तरफ हूँ, बाकी समय मैं उसी तरफ रहता हूँ. तो जैसा आपने बोला कि संजय दत्त की भूमि और तो इस फिल्म की जो थीम है वो उससे काफ़ी अलग हटके है, क्योंकि एक इस फिल्म का जो सबसे अच्छा जो थीम है कि एक बच्ची की हत्या जो है नक्सलियों के द्वारा की जाती है, बाद में जब नक्सली पकड़ा जाता है और उसे जेल भेजा जाता है, तो उस नक्सली को रखने की, खाने की, पीने की उसकी सारी जवाबदारी उसी जेल के प्रहरी को दी जाती है जिसकी बेटी को उसकी वो हत्या किया रहता है. तो ये कस्म है, और अंत में फिल्म का लास्ट सीन जो है अंत में इसी कस्म रहता है कि भाई अगर कानून पे जाएंगे, केस चलेगा, तो इसको पनिश नहीं कर पाएंगे, तो अंत में ये डिसीजन लेता है, अंत में उसको वो मार देता है. तो फिल्म अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, और ऐसा मानना है कि लोगों को और आम लोगों को पसंद आएगी, और मैं चाहूँगा कि लोग घरों से निकलें. काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसकी एक कहानी है जो पूरी की पूरी एक बेस पे आधारित है, तो लोग घरों से आए, निकले, देखें. और नहीं देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी फिल्में ऐसी आई, जैसे फुकरे हुआ, अच्छा बहुत सारी फिल्में बन रही है, कॉमेडी फिल्में बन रही हैं जिसमें कोई फेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिल्में चल रही हैं. तो कोई अच्छी फिल्म के लिए, फिल्म बहुत बढ़िया चल रही है, उसके लिए कोई फेस की जरूरत नहीं. यदि आप काम अच्छा कर रहे हैं, फिल्म अच्छी है आपकी, स्टोरी अच्छी है, तो दर्शक वर्ग एक बार घर से निकल के देखेगा जरूर. पाटिल जी, इस फिल्म का नाम कठोर रखा गया, तो कहाँ से ख्याल है इस फिल्म का नाम कठोर ही रखना चाहिए? कठोर एक बहुत दर्द वाला शब्द है, कहाँ से ख्याल आया? कठोर जी, कठोर जो शब्द आया है, एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी अपनी ग्लानी वर्स और जो सिचुएशंस रहती है उसके हिसाब से जब वो चेंज होता है अपने अंदर, तो बहुत ज़्यादा कठोरता लाता है अपने अंदर. वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी रहता है, मतलब जो कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, अचानक से वो फिर नॉन वेजिटेरियन होता है, अपने आप को काफी स्ट्रांग करता है. तो ये सब वहाँ से आया कठोर जो. इस फिल्म में आपका किरदार किस तरह का है? अब आप फिल्म देखिएगा तो पता चलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है, और ललित जी के
सपोर्टिंग में सारा रोल है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।